हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे विच इज़ फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास प्लस टू बायोलॉजी। तो हम अब उससे आगे जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, 44th क्वेश्चन इज इफ देयर आर मोर माइक्रोब इन अ प्राइमरी स्लज देन बीओडी। अगर ज़्यादा माइक्रोब हैं प्राइमरी स्लज में तो बीओडी की वैल्यू क्या होगी, दैट विल ऑब्वियसली इंक्रीज। क्योंकि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की डिमांड उनको उतनी ज़्यादा, अगर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे वो क्या है, उससे ज़्यादा ही ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड होगी उनके लिए, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेज प्लस माइक्रोब इस टर्म्ड एज। अगर सीवेज भी है और उसमें माइक्रोब भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने का, तो उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक प्रोसेस ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट इज मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड, इट इज इन 1986। व्हेन वाज यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट, सो 1993 इज आंसर। ओके, बायोगैस जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन अब करेंगे। नेम द गैस प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन बायोगैस, सो द मिथेन। नेक्स्ट, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस मिथेन कॉल्ड मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन, अब जो मिथेनोजन है मिथेन गैस, क्योंकि लार्ज अमाउंट में वही होती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द कैटल, तो कैटल के रूमेन में, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ अ कैटल। नेक्स्ट, सेलुलोज ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, देखो सेलुलोज जो है वो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है उसका इन रूमेन पार्ट ऑफ स्टमक। सो एक तो सेलुलोज का ब्रेक डाउन पार्ट हमें मिलेगा, प्लस बायोगैस और गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं कॉमनली। नेक्स्ट, बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग इन लाइटनिंग। नेक्स्ट, IARI stands for Indian Agriculture Research Institute and that institute is located in Delhi, commonly called Pusa Institute. Next, KVIC stands for Khadi and Village Industries Commission. Next, chemical used to kill the insects are called insecticide and for pest it is pesticide. BT stands for बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। सो बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्रिनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया का नेम है। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन इज, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्रिनजेनेसिस बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन अफेक्ट्स, अब क्या होता है, हम एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जब इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th century क्या हुआ था कि बहुत सारी क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो रही थी बाय इंसेक्ट, बाय पेस्ट। तो क्या किया कि कुछ ऐसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए गए बैक्टीरिया वगैरह से, और उनको क्या किया गया, इन पेस्ट और इन इंसेक्टिसाइड्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे जो लार्वा थे या फिर मोस्ट ऑफ द जो मॉथ बटरफ्लाई वगैरह इंसेक्ट थे उनको किल करने में वो हेल्प करता था। इसीलिए बीटी टॉक्सिन उसको हम बोलते थे, बिकॉज वो टॉक्सिक होता था फॉर दीज पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। सो अफेक्ट किसको करता था, मोस्टली लार्वा जो होते थे उसमें, और कहाँ, गट एरिया में, उनके गट एरिया में जाके उसको अफेक्ट करता था ऑर्गेनिज्म को, जो इंसेक्ट वगैरह होते थे, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जनरली किल द लार्वा ऑफ मॉथ बटरफ्लाई बीटल्स कॉटन जो बल्बवर्म्स हैं एटसेट्रा। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन वॉज प्रिपेयर्ड इन इंडिया इन 2011। बीटी टॉक्सिन लार्जली यूज फॉर विच क्रॉप, सो कॉटन क्रॉप। इसीलिए नोट दैट India was the largest cotton producing nation in 2014. Next question is, IPM stands for Integrated Pest Management. Right, Trichoderma is a species of fungi. What are baculovirus? These are the pathogens that attack insects and arthropods. Yaad rakhiye, sirf अर्थ्रोपोड्स ही हैं, इंसेक्ट अर्थ्रोपोड में ही आते हैं, तो सिर्फ अर्थ्रोपोड्स को इंसेक्ट करने वाले वायरस। ओके,
मोस्ट जो है जो बिकॉलो वायरस है वो बिलोंग करते हैं आपके न्यूक्लो पॉली हाइड्रो वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोब एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ लेग्यूम, तो वो राइजोबियम होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से हैं, एजोस्पेरिलम या एजोबैक्टर उसके एग्जाम्पल है। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स इज माइकोरहिजा एंड इट इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस। नेक्स्ट BGA इज चीफली यूज एज फर्टिलाइजर इन पैडी, पैडी फील्ड्स में यूज किया जाता है BGA को एज अ फर्टिलाइजर। गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज CO2 एंड हाइड्रोजन। Name the alcoholic drink produced with distillation. So the brandy, rum and rum ही हो गया है, brandy, whiskey and rum कर लेना यहाँ पे। और distillation क्या है, एक ऐसा process है, process of evaporating or boiling a liquid and condensing its vapors, purification or separation of mixture by using the different evaporation rate or boiling points. Next, bacteria used for the production of vitamin B12. Vitamin B12 को produce करने के लिए जो bacteria use होता है that is Bacillus megatherium. Next, what is chemical name of vitamin B12? तो cobalamin इसका scientific name कह लो या chemical name कह लो, scientific name नहीं कह सकते वैसे chemical name. Next, bacteria used for the production of vinegar is Acetobacter acetae. और अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एसिटिक एसिड को बनने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो एस्टो जो बैक्टर है एसिटाई वही यूज होता है, विनेगर इज कॉमन नेम ऑफ योर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द रीडिंग ऑफ फाइबर दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम विट्राई। ये क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैं आपको क्वेश्चन बोल दे रही हूँ लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है रीटिंग ऑफ फाइबर में यूज होता है। सो क्लॉस्ट्रीडियम विट्राइकम इसका आंसर है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। अगले चैप्टर के लिए भी एक दो हफ्ते में नेक्स्ट वीक मैं वीडियो ले आऊँगी। चैप्टर सोच रही हूँ कि प्लस वन क्लास से अप लूँ, क्योंकि दोनों ही चैप्टर मैंने प्लस टू से लिए थे, मैं प्लस वन की वीडियो दो चैप्टर्स की डालूंगी। इसके बाद मूव ऑन करेंगे इसी तरीके से कुछ कुछ टाइम बाद एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। आपके बोर्ड तक सारे चैप्टर मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाएँ। ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।